बॉल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई सादा है कोई टेढ़ा, कोई मजनू कोई लुटेरा, कोई किसी की भी न माने, सारे यहाँ सियाने, होता है रोज कुछ ना कुछ यहाँ, करेंगे बातें सब ख्याली है, जेब इनकी खाली, दीवाने सारे रहते हैं यहाँ। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। ये तुझे खाना किसने दिया? मियाँ ने। तेरे मियाँ ने तो तुझे खाना दिया है, तो लेके अपने घर जाती ना, यहाँ क्यों आ गई? मेरे मियाँ ने नहीं, आपके मियाँ ने दिया है। ये बच्चा आपका अपना है? क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब है कितनी जल्दी कह दिया आपको। किस चीज की? अरे शादी की। जब तक वो लड़की इस घर में है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं के नहीं जाऊंगी। लगता तो नहीं तुम मोहल्ले के बदमाश हो, तुम तो इतना शर्मा रहे हो। पर दिखावे के लिए जब दूल्हा आता है तो शर्माएगा नहीं तो क्या वो आइटम नंबर करके। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। या अल्लाह, कोई लड़की भेज दे 18 साल की खूबसूरत, जिससे मेरी शादी हो जाए। आ गई शायद आ गई। लमिया याद है ना, खूबसूरत जवान 18 बरस की है, याद रखना मालिक। अरे नाराज काय को होते हो, तो 18 साल की ना सही, 20-21 साल की सही, मगर हसीनो जमील तो हो जाए, शादी हो जाएगी। आ गए भाई, आ रहे हैं। अरे जहे नसीब, तशी लाई। लगता है मैं किसी बादशाह के दरबार में आ गई हूँ, लेकिन बादशाह के दरबार का खचाड़ा नहीं हो सकता। सही पहचाना आपने, ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है, खचाड़ा ही है। ये फरमाइए कि आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? मुझे आपसे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे एक कमरा चाहिए किराए पर। कमरा तो मैं ऐसा दूंगा आपको, अकेली रहेंगी ना आप? नहीं, मैं रहूंगी और मेरा बेटा रहेगा। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा नाम मोना है और ये मेरा बेटा है फैसल, और मेरे शौहर बाहर हैं। कहाँ अंदर हो जी? कुछ नहीं, कमरा खाली है, आइए आइए आइए। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं किराया कितना होगा? अरे किराए की क्या बात कर दी आपने, आपसे मैं किराया लूंगा? ऐसे पता नहीं कितनी जायदादें मेरे पास पड़ी हुई है। अरे और आप तो मुफ्त में रहे जब तक मेरा दिल करे, आज जब तक आपका दिल करे, आइए ना आइए, कमरा दिखाए आपको। ये मेहमान खाने में किराएदार कब से आ गए, हमें तो इस बात की इतला ही नहीं हुई। अरे कहीं कोई चोर चक्की तो नहीं है जो दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस आई हो? अभी देखती। कहाँ जा रही है? अरे खामोश, अंदर कोई चक्की आ गई है, पता नहीं कैसे घर में कोई घुस आया है। नहीं चक्की नहीं है, वो चक्की पीस पीस के उसकी हालत तो नहीं कैसे खराब हो गई। गरीब लड़की है बेचारी, 4 दिन से भूखी है, मैंने कहा चलो अंदर बिठा लेता हूँ, देखिए मैं उसके लिए खाना भी लाया हूँ। 4 दिन के भूखे ऐसे होते हैं? नहीं, वो असल में मैंने काफी तसल्लियाँ दे दी उनको, तो तसल्लियों से पेट भर गया, इसलिए ऐसी लग रही हो। भाड़ में गई तुम्हारी तसल्लियाँ, मैं अभी अब्बा और रुखसाना को बताती हूँ। बात तो सुनिए, अभी तक तो मैंने उसको अपने मियाँ से खुला लेने पर राजी भी नहीं किया है, आप चली गई, भांडा फूट गया तो हमारी शादी का क्या होगा, खुद सोचिए। अरे कौन है कमबख्त? है दरवाजा ही तोड़ डालेगा। अरे आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ोगे क्या बगैर? तो कौन आ गया, किसको मुसीबत हो गई? तू क्यों आया लफंगे? लफंगा ना कहियो मेरे को। तू जानती नहीं है शानी को, जानूदाद है ना, जानूदाद बच्चा अपना बच्चा। अरे चल, बड़ा आया नहीं तो, जानती हूँ मैं तुझे और तेरे जैनू दादा को, दोनों इस मोहल्ले के टट पूंजी है, बदमाश है। देखो भाभी, तुम रहती हो अपन के इलाके में, इसलिए हम करते हैं तुमसे मोहब्बत से बातें। वो जरा उस लड़की को तो बुलाओ जो तुम्हारे घर आई है। अरे बावला हो गया, मेरे घर में कोई लड़की लड़की नहीं आई। अबे आई है भाभी आई है, जो तुम्हारा मुलाजिम मियाँ नहीं है, उसने उसको मेहमान खाने में ठहराया हुआ है। अच्छा, मेरे मेहमान खाने में लड़की आई है, मुझे नहीं पता, तुझे पता है? अबे इसलिए तो कहता हूँ, तुम जानती नहीं हो शानी को,
जानू जान है ना जानू दादा। अबे बच्चा अपना बच्चा। तो चल भाई अपना बच्चा लेके निकल ले इधर से। पहले मुझे जरा उसकी खबर लेने दे मियाँ की, उसने मेरी इजाजत के बगैर कैसे किसी को किराए पे दिया कमरा। अबे उसकी खबर बाद में लीजियो, पहले मुझे उस लड़की से तो मिलवाओ। मैंने खुद देखा है नाकों से उसके अंदर जाते हुए। मुझे अच्छी लगी है वो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तो तू लड़की के चक्कर में इधर आया है, शराफत से निकल ले इधर बाहर। मैं अपने किराएदारों से किसी टट पूंजी बदमाश को नहीं मिलाती, समझा? अबे टट पूंजिया ना कहियो मेरे को। अबे तू जानती नहीं है शानी को, जानू दादे ना जानू बच्चे अपना बच्चा। चल अपने कुत्ते के बच्चे को लेकर दफा यहाँ से, चल दफा यहाँ से। बढ़ाया और ये मियाँ ठहर जा तुझे बताती। और खाओगे? बस एक निवाला और, ये लो। ए लड़की किसकी इजाजत से तू यहाँ पे आई है, और ये तुझे खाना किसने दिया? मियाँ ने। तो तेरे मियाँ ने तो तुझे खाना दिया है तो लेके अपने घर जाती ना, यहाँ क्यों आ गई? मेरे मियाँ ने नहीं, आपके मियाँ ने दिया है। अरे क्या बावली अवली हो गई है? मेरा मियाँ क्या आलम है बाला से यहाँ आकर तुझे खाना दे गया? वैसे कोई भरोसा भी नहीं है उसका, बहुत ठरकी आदमी था, हसीन चेहरों का तो आशिक था। आ गया वो कूद पड़ा होगा ऊपर से नीचे तुझे देखकर। देखिए मुझे ये खाना उस मियाँ ने दिया है जो इस घर का मालिक है। क्या कान खल के सुन ले लड़की, मियाँ मेरा मुलाजिम है, इस घर की मालिक मैं हूँ, सब करता धरता मैं हूँ। चल अगर इस घर में रहना है तो किराया निकाल। चल वो रे मियाँ, इन्होंने मुझे कहा था इस घर के मालिक हैं। देखिए ना ये बड़ी भी मुझसे किराया मांग रही है। कमबख्त मारी, बड़ी भी होगी तू खुद। अरे तुझसे 2-3 साल ही बड़ी होंगी मैं। और तू, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने ये बोला इससे कि तू इस घर का मालिक है? अरे मर्जी का मालिक कहा था, मर्जी का मालिक, मर्जी आई दे दिया। तेरी मर्जी की तो ऐसी की तैसी। खैर तुझसे तो मैं समझूंगी बाद में, पहले इसका जरा फैसला करूं। चलिए लड़की अगर यहाँ पे रहना है तो किराया निकाल, वरना निकल इस कमरे से। चल अरे रहने दे भाभी, जब तनख्वाह मुझे मिलेगी तो मैं कटवा दूंगा भाई। वो तनख्वाह मिलेगी तो कटवाएगा ना बेटा, 3 साल तक तो खून के आंसू रुलवाऊंगा मैं तुझे तनख्वाह के लिए। मेहमान खाने में मियाँ ने एक लड़की को ठहरा लिया है अपने चक्कर में, बिना किराए के बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त में मेहमान खाने में लड़की? वैसे तुझे मुझसे ऐसी कौन सी मोहब्बत होगी जो तू मुझे ये सब बताने आई है? तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह रुकसाना, मगर हो तो तुम मेरे बाप की बीवी ना। तुम्हारा नुकसान मेरे बाप का नुकसान, मेरे बाप का नुकसान मेरा नुकसान। नुकसान नुकसान के चक्कर में तो कोई और चक्कर तो नहीं चला रही? मैं क्या चक्कर चलाऊंगी, चक्कर तो वो मियाँ चला रहे, सारे खाने खिला रहे, वो भी मुफ्त में। जल्दी से कुछ करो रुकसाना, वरना वो तो उस पे पूरा घर वार देगा। मियाँ की तो ऐसी की तैसी, अभी लेती हूँ उस मुफखोरी से किराया, जानती नहीं उसको पाला किससे पड़ा। रुकसाना नाम है मेरा, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। हाँ चक्कर तो चल गया रुकसाना, तुम उस लड़की से किराया लोगी, अब्बा तुम्हारी अलमारी से चुरा लेंगे और मैं अब्बा से ऐंठ लूं। तो आपके शौहर बाहर हैं? जी। तो ये बच्चा आपका अपना है? जी क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब है कितनी जल्दी कहती है आपको। किस चीज की? अरे शादी की, जरा बड़ा होने दे देती ना अपने आप को। कौन किसको बड़ा होने देगा? तो मैं कह रहा था कि बच्चे को जरा बड़ा होने दें, बड़ा हो जाएगा तो फिर भेज दीजिएगा बाहर अब्बा के पास। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो किराए लेने आए थे ना। देखिए भाई आप किराया निकाल दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। अच्छा नहीं बहुत ही बुरा होगा, निकालो 10 दिन का किराया एडवांस। किराया? किराया तो मैं भाभी को दे चुकी हूँ। भाभी फिर बाजी ले गई। तो क्या फर्क पड़ता है, एक दफा फिर किराया दे दे। इसका मियाँ तो वैसे ही बाहर रहता है ना। हाँ मगर इसका तो एक मियाँ बाहर रहता है ना, मेरा मतलब एक मियाँ से दो दो बार किराया लेना तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। तुमने मेरे सामने किसी और लड़की की तरफदारी की। चलो कमरे में बताती हूँ तुम्हें। हाँ मैं बहुत अरे ओ अजली बेगैरत तू फिर आ गया। जल्दी से मोना को बाहर निकालो, मैं उसको लेने आया हूँ, मैंने करनी है उससे शादी। अरे क्या करेगा शादी करके, अरे वो मियाँ वाली है। अबे ये तो और भी अच्छा हो गया बाबे। अबे मेरे मियाँ वाली में ना ताया रहते हैं, ताया। अबे सोर्स लगा के ना रिश्ता पक्का करवा लूंगा। अरे वो पागल, मियाँ डैश वाली है,
एक अदद मियाँ है उसका। क्या हुआ? अबे जानू दादा से कह के ना उसके मियाँ को उठवा लूंगा मैं। कि तेरा जानू दादा है कि इंटरपोल बंदा उठवा लेता है। उसका मियाँ लंदन में रहता है, लंदन में, समझा? अबे लंदन से भी उठवा सकता हूँ मैं। जानू दादा ना, जानू दादा। अबे बच्चा है अपना, बच्चा। अरे तो जाके बोल अपने जानू दादा से, उठवा ले वो उसको। कम बखत मारा मनुष्य नहीं तो गली से कूड़ा उठवा नहीं सकता, लंदन से बंदा उठवाएगा। चल दबा यहाँ से, दिमाग नहीं खराब कर। भाभी भाभी छोड़ो ना गुस्से को, मेरी शादी करा दो ना। अरे हो, ये फ्रैंकनेस मुझे अच्छी नहीं लगती है। मनुष्य नहीं तो जब अपने जानू दादा को बोल वो धमकी दे, शादी करवा ले। मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मिन्नत कर रहा है मेरी? अरे भाभी क्या बताऊं, जानू दादा ना आजकल बड़ा उदास रहने लगा है। जब से उसकी बीवी मरी है ना। बीवी मर गई उसकी? हाँ मर गई उसकी बीवी। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। वो चाहता है कि किसी मतलब खूबरू हसीन नेक सीरत खूबसूरत बेवा से शादी करे। हाँ मेरी बड़ी मानता है वो। हाँ अब देखते हैं कि वो खुश नसीब औरत कौन होगी जो जानू दादा से शादी करेगी और इलाके की दादी बनेगी। अबे पुलिस भी पानी भरेगी उसके आगे। वैसे माँ कसम हर अलग ही भरम होंगे इलाके में उसके। हाय हाय हाय। आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती ना। चल तू फिक्र नहीं कर, मैं अपनी पूरी टिराई मारूंगी, तेरी शादी करवा दूंगी मैं। और हो जाएगी हो जाएगी, तू फिक्र ही नहीं कर। भाभी हाँ हाँ फिक्र नहीं कर। ओ है, ये मेरी जहेज की स्त्री मेरे कमरे से बाहर कैसे आई? कैसे आई मेरी स्त्री बाहर? टोस्ट सेकने के लिए। क्या मेरी जहेज की स्त्री से तुमने टोस्ट सेक लिए? मेरा टोस्टर खराब हो गया था इसलिए मैंने तुम्हारी स्त्री से काम चला लिया। बड़े मजे के सिक्के मान से। इधर दे मेरी स्त्री, सारी ब्रेड चिपक गई होगी मेरी स्त्री पर। अरे ब्रेड ही नहीं, अंडा भी चिपक गया था। टोस्ट इतने अच्छे सिक्के थे कि मैंने इसमें अंडा भी तल दिया। इतने मजे के सिक्के कि बस। तुमने मेरी स्त्री पे अंडा भी तल लिया? हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ना नल के नीचे रख के इसको अच्छे से धो दिया। ये देखो जरा भी गंदी नहीं है। ये लो अपनी स्त्री, ये लो। स्त्री मेरी तो वही रख। खाओगी नहीं? बेटे बेटे ये पर्चा अपनी अम्मी को दे दोगे? शर्म नहीं आती आपको? बच्चों से ऐसे काम कराते हो? जाओ जाकर खुद दे दो। ऐसी कौन सी बात हो गई बेटे, ये तो सामान का पर्चा है जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ मैं सब जानता हूँ, बहुत देखी है ऐसी पर्चेबाजी। किस इलाके का बच्चा है, इस उम्र में सब कुछ देख लिया, हम खुद दे देते। जाओ कहाँ जा रहे हैं आप? वो तो हम जरा जा रहे थे बाजार सौदा वगैरह लेने के लिए। हाँ यकीनन आपके पास भी सौदे का पर्चा होगा। पर्चा नहीं तो पर्चा। आप लोग इतने सारे सौदों के पर्चे दे रहे हैं, इतना सौदा हम इस्तेमाल नहीं करते जितने आप लोग पर्चे दे रहे हैं। पर्चा हमारे पास तो कोई नहीं, तो किसने पर्चा दिया तुम्हें? अभी मियाँ गए अंदर पर्चा देने। हाँ मगर हम कब अंदर जा रहे हैं बेटा, हम तो बाहर जा रहे हैं सौदा लेने। तुम्हारे लिए कोई चीज लाए, टॉफी गोली चिंगम? नहीं नहीं कुछ नहीं। दिल चाह रहा है 303 की गोली दूं तुझे, बदतमीज बदतरीन नाखल औलाद। भाभी इससे पहले के मोना को कुछ और ले उड़े, आप देखे ना हमारा तो आपके सिवा कोई और है नहीं। जल्दी से मोना से हमारी शादी करवा दो भाभी। नहीं नहीं, मोना की शादी तो मैं अपने शानी से करवाऊंगी बस। शानी से? वो गली का गुंडा क्या देगा भला वो आपको भाभी? जानू दादा। जानू दादा क्या मतलब? वो जानू दादा ना, अरे वो बच्चा है ना उसका। अच्छा भाभी तो तुम जानू दादा से डर के शानी के साथ दे रही हो? अरे कुछ नहीं रखा उसमें, वो नाम का बदमाश है, नाम का बदमाश है, खामा खा डर रही है आप उससे। मैं क्यों डरने लगी जानू दादा से? अब तो सारा मोहल्ला डरेगा मुझसे। क्यों भाभी, क्या आप फूलन देवी बनने वाली है? काहे को डरेगा सारा मोहल्ला आपसे? बस देखता जा तू। देखे भाभी अगर आप हमारी शादी करवा देंगी तो कितना अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे आपको दादी दादी कहेंगे। अब शानी के बच्चों की दादी तो उसकी अम्मा बन जाएगी ना भाभी। अब ये तो गलत बात है कि शादी कराएं आप, दादी बने कोई और। दादी तो मैं बनूंगी लेकिन तेरे बच्चों की नहीं,
सारे मोहल्ले की, फिर देखना सारा मोहल्ला मुझे कैसे भाभी दादी कह के बुलाएगा। और तू, अरे तू भी अकड़ के घूमेगा और कहेगा कि तुम जानते नहीं हो मियाँ को, वो जो भाभी दादी है ना, वो अपनी बच्ची है। कहाँ चल रही है? वो ऐसे ही, वो थोड़ा टहलने जा रहा था, खाना खाया ना, वो से बादी से। बस करो, चुपचाप बैठे रहो। बड़े दिन से आप मैके नहीं गई? जब तक वो किराएदार लड़की इस घर में है ना, मैं मैके जाऊंगी भी नहीं। अब्बा जान याद नहीं आते आपको? याद करें ना बचपन में किस तरह उंगली पकड़ के गुब्बारे दिलाने जाते थे आपको, है? है? और अम्मा, हाय कोई लड़की अम्मा को तो नहीं भूल सकती भाई, बचपन में कैसे तेल लगा के सर में और चुटिया। अच्छा बस बस, ज्यादा जज्बाती करने की ना जरूरत नहीं है मुझे। जब तक वो लड़की इस घर में है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं के नहीं जाऊंगी। देख लेना तुम्हारे इस इंतजार में अम्मा इधर की उधर ना हो जाए, आजकल तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती उनकी, है ना। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी अम्मा की, मैं काफी हूँ। चलो एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? सेल्फी नहीं, सेल्फी। हाँ वही। अरे लड़की मान जा, शानी बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुझे बता रही हूँ, ढूंढ ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्यों लड़का ढूंढूं जब मेरा मियाँ है और वो इस मुल्क से बाहर है? भाई तो बाहर है ना, यहाँ बुलवा लेंगे, अगवा करवा देंगे, तो खुला भी दिलवा दूंगी। जानती नहीं है तू मुझे, भाभी हूँ मैं, और वो जानू दादा है ना, वो मेरा क्या लगता है वो बाद में बताऊंगी। अभी जानू दादा कौन है? जानू दादा को नहीं जानती? अरे बहुत बड़ा बदमाश है, पुलिस यूं कांपती है यूं। लेकिन शानी ऐसा नहीं, बहुत शरीफ, सीधा सादा, मासूम समझ। नहीं नहीं नहीं, शरीफ और सीधा सादा बंदा मेरे किसी काम का नहीं है। अरे तो है ना। है शानी बहुत बड़ा बदमाश है, मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है तो फिर आप उसे मेरे पास भेज दें, पहले मैं उससे मिलूंगी, फिर शादी और खुला के बारे में सोचूंगी। सबके जाओ, सबके जाओ, वो पिलेन को दिल कर रहा है, बस जैसे ही आता ना वैसे भेजती हूँ, बात करो फैसला कर। तो तुम मोहल्ले के गुंडे हो? जी वो क्या है ना कि बचपन में ना अम्मा ने मुझको पायलट बनाना था, मुझे ना जहाज उड़ाने का बड़ा शौक था, पायलट तो बन ना सका, बदमाश बन गया। अब कैसे टैका है शानी का पूरे मोहल्ले में, जानू दादा है ना, बच्चा अपना बच्चा। लगता तो नहीं तुम मोहल्ले के बदमाश हो, तुम तो इतना शर्मा रहे हो। वो क्या है ना कि वो बर दिखावे के लिए जब दूल्हा आता है तो शर्माएगा नहीं तो क्या वो आइटम नंबर करेगा। अच्छा अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, फिर मैं अपने शोहर से खुला लेकर तुमसे शादी करूंगी। वैसे भी मैं बहुत तंग आ गई हूँ धोखेबाज आदमी से। अबे तू काम नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप काम बोले यूं होगा यूं, वैसे आप जानती नहीं है शानी को, जानू दादा ना जानू दादा, बच्चा है अपना बच्चा। अच्छा तो सुनो, मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर रखी है शायस्ता नामी खातून से, उसे लंदन से 15 लाख रुपए की रकम भेजी है उसके लिए, जो कि वसूलने जाएगा उसका भाई इरफान नामी आदमी से, लेकिन मैं चाहती हूँ ये रकम तुम वसूलो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इरफान ने शाइस्ता के भाई को देखा भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए काम करना और आसान हो जाएगा। अबे ये मेरा मतलब है ये भी कोई काम है, आप बताइए लाने कब है पैसे? आज रात को। इरफान खान शाइस्ता के भाई का इंतजार करेगा एयरपोर्ट से निकलते ही पीछे वाली सड़क पर, तुम उससे पहले वहाँ पहुँच जाओगे और वो पैसे लेकर सीधे यहाँ आ जाओगे, फिर उसके फौरन बाद में अपने शोहर से खुला के कागजात जमा करवा दूंगी और फिर उससे तलाक लेकर हम शादी कर लेंगे और फिर वही 15 लाख रुपए की रकम से हम हनीमून बनाने के लिए सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर? 15 लाख रुपए? मैं और आप? अगर ये 15 लाख हम शानी से पहले इरफान खान से ले आए तो मोना यकीनन हमसे शादी कर लेगी और हनीमून भी हम मनाएंगे। शादी और हनीमून तो रुखसाना के होते नहीं हो सकते, अरे मगर हम 15 लाख पर कब्जा करके अमीर तो हो ही सकते हैं। सबसे पहले इरफान खान के पास हम पहुंचेंगे। हाँ। तालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब आप ही हैं?
جی جی عرفان خان میں ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ وہ ہمیں وہ بھیجا ہے شائستہ نے 15 lakh روپے لینے کے لیے، ہم ان کے بھائی ہیں۔ اچھا اچھا، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بھائی ہیں، میں ہوں ان کا بھائی، مجھے دیجیے 15 lakh روپے، میں لینے آیا ہوں۔ یہ ان کے پیسے چھیننا چاہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، ایک منٹ، یہ دونوں بہت بڑے ٹوپی باز ہیں، یہ نہ جھوٹ بول کر آپ کے پیسے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ شائستہ کا اصلی بھائی میں ہوں، شانی نام ہے میرا، شائستہ نے مجھ کو بھیجا، آپ مجھ کو دے نہیں، دیکھیے آپ پیسے آپ مجھے دے دیے، شائستہ نے مجھے بھیجا بھائی، مجھے نہیں، شائستہ نے مجھے بھیجا، مجھے بھیجا مجھے۔ مگر بھائی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اصل آدمی کون ہے؟ تم لوگ مجھے شائستہ کے پاس لے کر چلو، وہاں چل کے پتا چل جائے گا کہ سچا آدمی کون ہے اور جھوٹا کون۔ دیکھیے میری بات سنیے، وہاں جانا بیکار ہے، آپ پیسے مجھے دے دیجیے، یہیں پہ تو اچھا ہے نا۔ میں کیسے پتا چلاؤں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ جو تم میں سے سچا ہے وہ مجھے شائستہ کے پاس لے کر چلے، پیسے تو میں گھر جا کر ہی دوں گا۔ دیکھیے عرفان صاحب، سچا آدمی میں صرف میں ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو گھر لے کے چلتا ہوں، آئیے چلے، آئیے چلے، آئیے آئیے نا، تم لوگ کہاں آ رہے ہو؟ چلیں ایسے یہ میرا ملازم میاں کہاں چلا گیا؟ ہاں نا بابو بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ عرفان صاحب آئیے، آ جائیے، کون آ جائیے؟ ہاں بھائی ذرا جلدی سے بتاؤ کہاں ہے شائستہ؟ شائستہ کون ہے؟ کون یہ اردو میں شائستہ کا پوچھ رہے ہیں؟ شائستہ کا، ارے کون ہے یہ منوس شائستہ؟ میری بہن ہے، وہ باہر ہے گلی میں، میں بھی اسے بلا کر لاتی ہوں۔ اس کی بڑی بہن گلی کے اندر کیا کر رہی تھی؟ چوکی داری کر رہی تھی اس کی بڑی بہن؟ کیا چھوڑو اس کی بہن کو، یہ بتاؤ بچہ کہاں ہے؟ بچہ کون سا بچہ؟ وہی بچہ جس کو تم لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے اور جس کے تاوان کی رقم لینے یہ تینوں میرے پاس آئے تھے۔ اغوا؟ قسم لے لیجیے صاحب، میں تو کبھی بچہ دیکھا بھی نہیں، میں کوارا انسان، میرا بچے کے اغوا سے کیا تعلق؟ اب ہاں یقین جانیے کہ میں کوارا ہی ہوں، لیکن میں نے بھی کئی سالوں سے بچہ نہیں دیکھا، کوشش بڑی کی ہے، بڑی منتیں مانگی، لیکن بچہ یہی ہوتا ہے۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں۔ کس کو؟ جانو داد ہے نا، جانو داد، اب ان کا بچہ ہو۔ بکواس بند کرو، یہ بتاؤ فیصل کہاں ہے؟ بچہ اغوا کرتے اور وہ بھی میرا، یعنی ایس ایچ او کا۔ ایس ایچ او؟ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ بیٹا یہ سب کیا چکر ہے؟ میں بتاتا ہوں چکر کیا ہے، تم لوگوں نے میرے بچے کو اغوا کیا اور مجھ سے تاوان مانگا، اور یہ تینوں مجھ سے تاوان لینے پہنچ بھی گئے۔ دیکھیے ایس ایچ او صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ کو تو مونا نے بھیجا تھا پیسے لینے کے لیے، بس ہمیں بھی مونا نے بھیجا تھا اور مجھے بھی۔ اچھا یہ بتاؤ یہ مونا کون ہے؟ جو بھی ہے، جو بھی تھی وہ بھاگ گئی، بھاگ گئی وہ۔ چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ تو ہو نا، اب یہ تاوان کی 15 lakh روپے کی رقم تم لوگ مجھے دو گے ان تینوں کو چھڑوانے کے لیے۔ چلو آ جاؤ، اغوا کن گان تیار ہیں۔ دیکھیے روٹ کملا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بے قصور ہیں۔ اور کیا سر، اغوا کرنے والی تو مونا ہے، وہ جو ہمیں پھنسا کے بھاگی ہے۔ ابا ابا یہ لوگ بے قصور ہیں۔ موٹے بلے، تو نے بتایا نہیں کہ تو اغوا ہوا، اس کے ہاتھوں سے ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھا رہا تھا اندر کمرے میں۔ اتنی مشکل سے تو اسکول سے چھٹی ملی تھی، اگر بتا دیتا تو اسکول جانا پڑتا نا، اور جو اب ان سب کو جیل جانا پڑے گا وہ۔ چلو اے لے چلو انہیں، خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جانتا نہیں ہے بھابھی کو، وہ جو جانو دادا ہے نا، تو وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اے لے چلو۔ اوپر بھابھی کا مکان، اوپر بھابھی کا مکان، اوپر بھابھی کا مکان، اوپر بھابھی کا مکان۔ جی میرا نام ہے اقبال عرف بالا، غیر شادی شدہ۔ بابو کہہ رہا تھا میاں نے دیا ہے کمرہ کرائے پر۔ ارے انہوں نے بالے میاں کہا ہوگا بھابھی، آپ نے میاں سمجھ لیا، عورتوں کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے بھابھی کہ ہر غلطی میں ان کو میاں ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ مجھے اپنے میاں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو صرف ڈالر سے قرض ہے، وہ ہر مہینے مجھے ڈالرز بھیجتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دنوں میں ڈالرز آنے والے ہیں۔ بے وقت کھانا کھانے سے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی بات سچ ثابت ہو، بے وقت کھانا کھانے والوں کے پیٹ میں کیڑے پڑے۔ اوپر بھابھی کا مکان، اوپر بھابھی کا مکان۔ اچھا سنو، سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی ضرور بجا دینا تاکہ جب بول انٹرٹینمنٹ کی نئی ویڈیو آئے تو تمہارے موبائل پہ بھی گھنٹی بج جائے۔